तो दोस्तों आज मैं लाई हूँ एक नई रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है, और वो भी बची हुई रोटियों से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे रख दी हमने कढ़ाई और इसमें एक चम्मच हमने तेल डाल दिया है, और तेल के आउटने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही हमारा चटकने लगेगा हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, और एक चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसको लगातार हम चलाते हुए हल्का ब्राउन कर लेंगे। और अभी ब्राउन होने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे, बारीक चॉप करके टमाटर डाल दिए हमने। और अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, एक चम्मच हल्दी डाल दी हमने, और एक चम्मच लाल मिर्च, और एक चम्मच धनिया डाल दिया है, और हाफ चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया। और इन सबको हम अच्छे से पकाएंगे मसाले को, जब तक कि हमारा मसाला पक नहीं जाता हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये मसाला हमारा पक चुका है, तो चलिए अभी हम इसमें पालक डाल देंगे, और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से पालक का मॉइस्चर है वो जल्दी से छोड़ दे पालक। और अभी हम इसमें आलू डाल देंगे, एक आलू हमने कटिंग कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और अभी हम 2 मिनट के लिए लगा देंगे इस पर, 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे सब्ज़ी हमारी पकी है या नहीं। हमारी अभी पकी नहीं है तो हम इसको दोबारा से ढक देते हैं। और ये हमने ले लिए ठंडी रोटियाँ, इनको हम जब तक हम कटिंग कर लेंगे इस टाइप से, कैंची से इसकी स्लाइस काट लेंगे हम इस टाइप से, और छोटे छोटे स्क्वायर में हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए सब्ज़ी को हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे करी के लिए पानी, हाफ गिलास, एक गिलास हमने इसमें करी के लिए पानी डाल दिया है, और इसको वापस से ढक दिया है 2 मिनट के लिए। और ये बची हुई रोटियों को हम कटिंग कर लेंगे, ये इस टाइप से स्लाइस हमने काट ली है, और छोटे छोटे स्क्वायर में हमने सारी रोटियां कटिंग कर ली है। तो चलिए अभी हम इनको साइड में रख देते हैं, और सब्ज़ी को हम चेक करते हैं पकी है या नहीं। सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, अभी हम डालेंगे इसमें रोटियां जो हमने कटिंग करके रखी हुई है, इसको इसमें हम डाल देंगे, और इसको लगातार हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। और फिर इस पे लगाएंगे हम ढक्कन 2 मिनट के लिए, ये हमने ढक्कन लगा दिया है, और 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये रेसिपी हमारी तैयार है, ये देखिए खूब अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं, और इसको हम शर्व करेंगे दही के साथ, दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।